इंडस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक और जहां अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म पैडमैन के द्वारा देश के लोगों के बीच पीरियड्स और सैनिटरी नैपकिन का ज्वलंत मुद्दा उठाकर महिलाओं को और सशक्त बनाने का कार्य किया, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकार भी इस विषय को लेकर जागृत हो रही है। जी हाँ, सरकार रेल यात्रियों और कर्मचारियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी। ऐसा दिल्ली सहित देश के 200 बड़े रेलवे स्टेशन पर होगा। महिलाओं को पर्यावरण अनुकूल और सस्ते नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों और रेल परिसरों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर मशीन लगाने की योजना है। रेलवे महिला कल्याण केंद्रीय संगठन ने दिल्ली में दस्तक नाम से इस तरह की सस्ती सैनिटरी नैपकिन तैयार कर रही है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल रेलवे संगठन द्वारा शुरू की गई दस्तक नामक उत्पादन यूनिट का दौरा भी कर चुके हैं। रेलवे महिला कल्याण केंद्रीय संगठन ने 1 जनवरी से दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित रेलवे कॉलोनी में सैनिटरी पैड बनाने की इकाई शुरू की है। यहाँ पर रोज 400 सैनिटरी नैपकिन तैयार किए जा रहे हैं। देश के अन्य हिस्से में भी इस तरह की योजना शुरू करने के लिए इस इकाई की स्थापना अलग अलग जगह पर की जाएगी। भारतीय रेलवे की इस पहल से तैयार किए जा रहे सैनिटरी नैपकिन इको फ्रेंडली होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इन नैपकिन की कीमत बेहद कम है। पैकिंग के बाद नैपकिन को अल्ट्रावायलेट किरणों के उपयोग से जीवाणु रहित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली, भोपाल रेलवे स्टेशन और उत्तर रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा हाउस के साथ साथ अन्य रेल परिसर में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर लगा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक महिला रेल कर्मचारियों, यात्रियों और कमजोर वर्ग की महिलाओं के लाभ के लिए लगभग 200 बड़े रेलवे स्टेशनों के साथ साथ रेलवे परिसर में इसे कवर करने की योजना बनाई जा रही है। सांझ टीवी की खास रिपोर्ट। सांझ टीवी, सबसे आगे सबसे पहले। बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।